सिर में गहरा जख्म, दिमाग पर गंभीर चोट, हाथ की टूटी हड्डियां, चेहरे पर गर्म लोहे के दाग और पूरे जिस्म पर दांत काटने के निशान। एम्स ट्रॉमा सेंटर में वेंटिलेटर के भरोसे चल रही 2 साल की ये मासूम जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। What we call the battered baby. ये अनचाहा बच्चा था या फिर लड़की पैदा होने के कारण इसको पीटा और फेंका गया, ये मैं नहीं कह सकता। और इट्स अ गर्ल चाइल्ड, वी डोंट नो। इस बच्ची को अस्पताल लेकर आने वाली भी एक नाबालिग है, जो पहले तो खुद को इसकी माँ बताती रही, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके जवाब ही सवाल बन गए। पुलिस को ना तो बच्ची के माँ बाप का पता है और ना ही इस हाल में पहुँचाने वाले जिम्मेदार शख्स का। इधर डॉक्टरों को भी ये नहीं पता कि इतने जख्मों के साथ ये मासूम सांस कब तक चल पाएगी। I would say the chances are not very bright. इस बच्ची के बचने के आसार बहुत कम है, अगर ये बच भी गई तो भी इसको मानसिक परेशानियां रहेंगी। न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी। फिलहाल पुलिस उस आरोपी लड़के को तलाश रही है, जिसका जिक्र इस बच्ची को अस्पताल लाने वाली लड़की ने अपने बयान में किया है। 1.5 करोड़ की आबादी वाले दिल्ली शहर में यूं तो हर रोज नवजात बच्चों के मिलने की कहानियां सुनते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये बच्ची 2 साल तक अपने माँ बाप के पास रही तो ऐसे कौन से माँ बाप हैं जिन्होंने 2 साल तक बच्ची को पालने के बाद ममता का गला घोंट दिया। पुलिस अब इसी की जांच कर रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। NDTV's क्रिकेट ऐप, एंड्रॉइड एंड आईफोन, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. NDTV.com/apps.